Click on subscribe button and press bell icon for watching latest video on civil engineering. Hello friends, welcome back. This is Asif Ansari and you are watching Engineering Tactics. Guys, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि रोड फॉर्मेशन के लिए जो मिट्टी लगती है, जो सॉइल लगता है, उसकी क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली उसमें लगने वाली है. ओके, इसकी कैलकुलेशन के लिए दो मेथड है, एक है मीन एरिया मेथड और दूसरा है मीन डेप्थ मेथड. ओके, तो इस वीडियो में मैं आज आपको मीन एरिया मेथड से किस तरीके से सॉइल की क्वांटिटी हम निकालेंगे रोड वर्क के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके. ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैकमेंट 120 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एट द टॉप. साइड स्लोप इज 2:1 एंड डेप्थ एट इच 30 मीटर इंटरवल्स आर 0.4, 0.6, 1.4, 1.2 एंड 0.8 मीटर. ओके, तो ये क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो हमें रोड फॉर्मेशन करना है, रोड के लिए हमें जो सॉइल लगने वाली है, वो रोड की लेंथ है 120 मीटर. ओके, और उसका टॉप 10 मीटर है और साइड स्लोप दिया हुआ है 2:1 और उसका जो डेप्थ है हर 30 मीटर के डिस्टेंस पे जो उसका डेप्थ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है. ओके, इसका डायग्राम किस तरीके से होगा. ओके, तो ये जो रोड बनेगा ना हमारा, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहेगा. ओके, यानी यहां पे टॉप में दिया हुआ है 10 मीटर और साइड स्लोप दिया हुआ है 2:1. यहां पे सिर्फ 2:1 एक ही रेशियो दिया हुआ है और वन साइड बोथ साइड कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि दोनों तरफ सेम रहने वाला है 2:1, 2:1. तो इस तरीके से एम्बैकमेंट होने वाली है. ओके, तो इसके लिए आपको बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी मेथड है. इसके लिए आपको सिर्फ ये एक टेबल बना के रखना है. इस टेबल में जो भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना है इस डायरेक्टली टेबल के अंदर ही करना है. तो आपको मैं वन बाय वन बता देता हूं कि हर एक कॉलम में क्या क्या हम लिखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे रोड स्टेशन. ओके, यानी कि आरडी स्टेशन हो जाएगा ये. यहां पे हम आरडी स्टेशन लिखेंगे, जो भी ये इंटरवल्स दिया हुआ है, जितनी भी लेंथ है इसकी. ओके, सेकेंड में हम लिखेंगे इसमें डेप्थ. जो डेप्थ दी हुई है ये डेप्थ है, वो हम इसमें लिखने वाले हैं. उसके बाद हमें निकालना रहता है सेंटर एरिया. सेंटर एरिया निकालना है हमें. ओके, सेंटर एरिया में आपको बता दूं कि ये जो है इसको हम बोलेंगे सेंटर एरिया. ओके, तो ये हम इसमें निकालेंगे. फिर हमें निकालना है साइड एरिया. ओके, साइड एरिया हो जाएगा ये वाला और एक ये वाला, ये साइड एरिया हो जाएगा. फिर हमें क्या करना है, दोनों एरिया को हमें को टोटल कर देना है, टोटल एरिया. फिर उसके बाद इसमें हम लिखेंगे मीन एरिया, जो भी एरिया निकलेगा उसका हम मीन निकालेंगे. फिर उसके बाद इसमें हम लिखेंगे इंटरवल्स, जो भी इंटरवल्स दिया हुआ है वो हम इसमें लिखेंगे. फिर यहां पे आ जाएगा लास्ट में क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी में कटिंग एंड फिलिंग का भी कॉलम बनता है इसमें, लेकिन इसमें मैं इसलिए नहीं बनाया हूं कि यहां पे इसमें कटिंग का कोई भी इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी डेप्थ दी हुई है इसमें सब प्लस में है, यानी कि जो भी आने वाला है वो सब फिलिंग में आने वाला है, ना कि कटिंग में आने वाला है. अगर इसमें एक भी कोई माइनस में होता, यानी वो कटिंग में जाता, तो इसके लिए हम यहां पे एक और कॉलम बनाते और यहां पे कटिंग है यहां पे फिलिंग लिखते. जो माइनस में आंसर आता उसको हम इसमें कटिंग में लिखते और जो प्लस में आंसर आता है उसको हम फिलिंग में लिखते. लेकिन यहां पे जो भी है सब प्लस में है, सब फिलिंग में आने वाली, इसलिए मैं यहां पे एक ही कॉलम बनाया हूं. ओके, तो चलो फिर कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें रोड स्टेशन में लिखना है जीरो, यानी जो भी हम स्टार्ट करेंगे रोड वर्क के लिए वो जीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. तो जीरो हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ 30 मीटर का इंटरवल्स है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, सेकेंड हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 120, और 120 मीटर का हमारा रोड है. ओके, तो ये हो गया. अभी यहां पे हमें डेप्थ लिखना है. जो डेप्थ यहां पे दी हुई है सेम ऐसी डेप्थ हमें यहां पे लिख देना है, यानी ये हो जाएगा 0.4, 0.6, 1.4
1.2 एंड 0.8। ओके, तो ये तो हमें दिया हुआ था। अब यहां से हम कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है। अभी हमें निकालना है सबसे पहले सेंटर एरिया। ओके, सेंटर एरिया यानी ये वाला सेंटर एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बी इंटू डी करना रहता है। ओके, ये विड्थ हो जाएगी और ये डेप्थ हो जाएगा इसका। तो बी इंटू डी यानी सेंटर एरिया, यहां पर मैं लिख देता हूं बी इंटू डी करना रहेगा हमें। तो यहां पे बी दिया हुआ है, विड्थ है 10 और डी दिया हुआ है यहां पे 0.4, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। तो 10 इंटू 0.4 4, 10 इंटू 0.6 6, 10 इंटू 1.4 14, तो ये हो जाएगा 12 और ये 8। अब हमें निकालना है साइड एरिया। साइड एरिया मतलब ये एरिया। ओके, तो साइड एरिया मींस ये एक रेक्टेंगल पोर्शन बन गया है। इसका एरिया आपको मालूम है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम करेंगे और उसमें प्लस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इस तरीके से भी आप निकालेंगे ना इसके लिए और इसके लिए, तो आपको आंसर वही मिलने वाला है। इसका आसान फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये सारा कट विट करके ये बनाया गया है फॉर्मूला। ये हो गया है एस डी स्क्वायर। ओके, आपको सिर्फ एस डी स्क्वायर से आपको ये दोनों का एरिया मिल जाएगा इजीली। एस हो जाएगा स्लोप और डी हो जाएगा डेप्थ। ओके, यानी कि स्लोप इंटू डी का स्क्वायर करना है, यानी डेप्थ का स्क्वायर करना है। स्लोप हम यहां पे लेने वाले हैं 2। तो साइड एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, एस डी स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा, एस है हमारे पास 2 स्लोप और डी स्क्वायर। पहला डेप्थ कितना है 0.4 का, तो यानी 0.4 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.32। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 0.32। अभी इस डेप्थ के लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए भी हम करेंगे सेम 2 इंटू 0.6 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 0.72। तो हम यहां पे लिख देंगे 0.72। उसी तरीके से यहां पे 2 इंटू 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.92। और फिर इसके लिए 2 इंटू 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 2.88। और उसी तरह इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.28। ओके, तो हमारे पास साइड एरिया भी निकल गया, सेंटर एरिया भी हमने निकाल लिए। अभी हमें निकालना है टोटल एरिया। साइड एरिया का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, एस डी स्क्वायर। ओके, अभी हमें निकालना है यहां पे टोटल एरिया। टोटल एरिया हो जाएगा बी इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर, यानी ये जो हमने निकाले सेंटर एरिया और साइड एरिया दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद 4.32, ये हो जाएगा 6.72, ये हो जाएगा 17.92, ये हो जाएगा 14.88 और ये हो जाएगा 9.28। ओके, अभी हमने निकाल लिया टोटल एरिया। अभी क्या करना है हमें, हमें सिंपली मीन एरिया निकालना है। मीन एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला है और ये दूसरा है दोनों को हम प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। फिर इसके लिए ये प्लस ये करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें उसका मीन एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमें पहला वाला निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 4.32 प्लस 6.72। ओके, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा इसका 5.52। ओके, तो यही 5.52 हम यहां पे पहले में नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्योंकि हम इसका मीन निकाल रहे हैं, तो हम इसको यहां पे लिखेंगे 5.52। ओके, फिर हमें अभी इसके लिए मीन निकालना है, तो इसका मीन निकलेगा 6.72 प्लस 17.92 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12.32। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे 12.32। तो उसी तरीके से हमें इसका भी निकालना है, यानी 17.92 प्लस 14.88 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 16.40। फिर अभी यहां पे करना है हमें 14.88 प्लस 9.28 डिवाइड बाय 2, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 12.08।
तो अब हमने मेन एरिया भी निकाल लिया, अभी यहाँ पे हमें लिखना है इंटरवल्स। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि 30 मीटर का इंटरवल है, यानी जितने भी यहाँ पे डिस्टेंस है सब में 30 मीटर का इंटरवल है। तो यहाँ पे हम इंटरवल में 30 मीटर लिख देंगे, सारे में 30 मीटर एंड 30 मीटर। ओके, अभी हमें क्वांटिटी निकालना है। क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मीन एरिया इंटू इंटरवल करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपको डायरेक्टली क्वांटिटी मिल जाएगा, यानी कि 5.52 इंटू 30 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 165.6। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 369.6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 492, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 362.4। ओके, तो ये हमें क्वांटिटी निकल गई, सारी क्वांटिटी को हम प्लस कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल फिलिंग, हम इसको बोल सकते हैं। ओके, या फिर एम्बैकमेंट बोल सकते हैं। कितना आने वाला है वो यहां पे आ जाएगा, तो हम सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1389.6 एम क्यूब। तो ये है फाइनल आंसर एम क्यूब में कि इस रोड फॉर्मेशन के लिए, जो एम्बैकमेंट के लिए और फिलिंग या फिर फिलिंग के लिए सॉइल लगने वाली है, वो हमें लगेगी 1389.6 एम क्यूब। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको सीएफटी में करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बता भी चुका हूं कि 1 एम क्यूब होता है 35.315 सीएफटी। ओके, तो जो भी एम क्यूब हमारे पास आंसर आया है उसको आप 35.315 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आपको सीएफटी में मिल जाएगी, यानी क्यूबिक फीट में मिल जाएगी। तो इसका भी मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं, हमें आंसर मिला है 1389.6। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.315 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 49074 सीएफटी। ओके, यानी कि आपको दो आंसर मिल गया, एम क्यूब में भी आंसर मिल गया और सीएफटी में भी आंसर मिल गया, दोनों आंसर राइट है। ओके, तो ये था मीन एरिया मेथड। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं आपको मीन डेप्थ मेथड के बारे में बताऊंगा कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लूंगा मैं उसमें। ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली इन योर मोबाइल फोन। टिल देन कीप स्माइलिंग, थैंक यू।